मैं अभी ग्राइंडर को इस्तेमाल करूंगा, आप इसके अंदर होने वाली जरा प्रॉब्लम देखिएगा और पहले से सोच कर रखें क्या प्रॉब्लम हुई। तो ये मैं जब मैं इस ग्राइंडर को इस्तेमाल कर रहा था तो आप ये देखें इसके अंदर कोई सेफ्टी गार्ड नहीं था, मेरे हाथ में ग्लव्स नहीं थे और यहाँ पे एक एप्रन होना चाहिए था, वो एप्रन नहीं है। तो ये तो सेफ्टी का, मैं आपको वजह बता रहा हूँ, इस वजह से मैं आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। इसमें से जो आयरन के पार्टिकल निकल रहे थे उस यानी चिंगारियाँ निकल रही थी, हर चिंगारी के पीछे आयरन का एक पार्टिकल था। और इसी तरह बाज पार्टिकल जो कि चिंगारी नहीं बन सके, वो यहाँ से मूव होके इस तरह करके यहाँ आके मेरे पेट पे टकराए होंगे। ये थाउजेंड ऑफ थाउजेंड पार्टिकल निकले होंगे इसमें से। अब वो मेरी लक के वो जिस्म में गए नहीं गए, इधर चले गए, लेकिन क्या होता है कि हर पार्टिकल क्योंकि माइक्रोमीटर के अंदर होता है, नैनो मीटर साइज में होता है, तो वो अगर आपके जिस्म से टकरा भी जाए और जिस्म में चले जाए तो आपको तकलीफ का एहसास नहीं होगा, हल्का सा बर्न का मामला होगा लेकिन कुछ नहीं होगा। तो आपको ये दिखाऊं कि आपको यहाँ पे कुछ मेरी वेन नजर आ रही होंगी, ये हाथ के ऊपर नजर आ रही है आपको बड़ी बड़ी। अब क्या होता है कि ये पार्टिकल अगर इसके ऊपर टकराया और या तो मेरे गोश पे टकराया, गोश का टकरा के हो सकता है वो इस टॉपिक, बाकी ये कि वेन वेन पे आके अगर टकराया वो पार्टिकल, वो मेरे जिस्म के अंदर ब्लड के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा और वो सर्कुलेशन शुरू करेगा। होता क्या है कि आपकी जो वेन है ये आगे जाके कैपिलरीज के अंदर कन्वर्ट होती हैं और कैपिलरीज का साइज आमतौर पे 5 माइक्रो मीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक होता है, यानी इतना बारीक होता है कि आपकी आंख नहीं दिखाती, और ये पार्टिकल भी तकरीबन इतने ही होते हैं। अब होता क्या है कि वो पार्टिकल आपकी वेन से होता हुआ आपके जिस्म में जाता है और फिर आपकी जो सबसे ज़्यादा कैपिलरीज हैं वो आपके ब्रेन में हैं और आपकी आंखों के अंदर हैं। कैपिलरीज का काम आमतौर पे ऑक्सीजन भी अब्जॉर्ब करना होता है। तो होता क्या है कि ये जो पार्टिकल होते हैं जब कैपिलरीज में पहुंचते हैं तो ये बिल्कुल एक नाइफ की तरह उस कैपिलरीज को काट देते हैं, तो आपकी ब्रेन के अंदर या आपकी आईज के अंदर जो है आपकी कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती है। ब्लड प्रेशर, आपने सुना होगा कि ब्लड प्रेशर किसी का हाई हो गया तो वो कैपिलरीज को बर्स्ट कर देता है बाज़ औक़ात। तो जब ब्लड प्रेशर ही आपकी कैपिलरीज को बर्स्ट कर सकता है तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर आपके जिस्म के अंदर ये पार्टिकल जो लोहे का था ये जब जाके ब्लेड की तरह काटेगा तो कैपिलरीज को कैपिलरीज ट्यूब कैपिलरीज की जो आपके होती हैं वो उसको बर्स्ट कर देता है। तो ये हम लोग कभी भी सीरियस नहीं लेते, मैं तो आज तक नहीं सीरियस ले सका, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एक इंतहाई सीरियस चीज़ होती है। जिस तरह मैंने इसको इस्तेमाल किया, यहाँ मैंने आज तक किसी मैकेनिक को इस्तेमाल करते नहीं देखा, हाथ पे ग्लव्स भी पहनते हैं, पेट पे एप्रन पहनते हैं और इसके बाद वो ये काम करते हैं।